तो जाहिल है इस मामले में। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ एक बहुत ज्ञानी आदमी थे संगीत के, और उनसे एक दिन मेरी मुलाकात हुई। भारती जी नाम था उनका। तो मैंने कहा, भारती जी एक बात बताइए कि इतने सिंगर्स हैं, लता जी की इतनी इज्जत, तो इतना एडमिरेशन जो लोगों में मैं देखता हूँ, इवन जो क्लासिकल के लोग हैं वो भी ऐसी इज्जत से बात करते हैं, तो क्या बात है, आप हमें समझाइए। कहे, बहुत सीधी बात है, दुनिया का जो बारीक से बारीक तार है या बाल है, उसका भी तो कोई सेंटर होगा ना। कितना भी बारीक बाल हो, कितना भी बारीक तार हो, वो बीच होगी ना उसका कोई, हाँ सुर में वहाँ लता जी गाती है। क्या कहें, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, कैसे इंसान जिसके लिए मेरे मन में इतनी श्रद्धा है, इतनी इज्जत है, उनसे हमको ये मिले तो बहुत बड़ी बात। और आजकल वैसे भी किसी सॉन्ग राइटर को उसके काम की तारीफ की जाए ये आसान नहीं है, सॉन्ग राइटर मौका नहीं दे रहे, देखते हैं कैसे करते हो तारीफ, हम भी देखते हैं। बहुत इनके ही शब्दों में बताऊं, आजकल जो हमारे यहाँ गीत होते हैं, अगर उन्हें गीत कहा जा सकता है, तो चलिए, हमारे एक ज़माने में ऑर्केस्ट्रा होता था कि सिंगर को थोड़ा आराम मिल जाए, बीच में थोड़ी म्यूजिक चले। अब सिंगर होता है कि ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा आराम मिल जाए, ये सही बात। अच्छा, एक और नई चीज़ चली है कि जो ऑर्केस्ट्राइजेशन होता है आमतौर से आप देखेंगे उसमें परकशन जो है वो आवाज़ के ऊपर होता है, जो ड्रम बज रहा है, तबला बज रहा है, तबला तो खैर अब होता ही नहीं है, जो भी बज रहा है ऊपर वो आवाज़ के ऊपर है, आवाज़ कहीं नीचे है। अब कभी कभी खोद के आप निकाल लेते हैं, कभी नहीं निकालते, तो जब आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है तो उसमें शब्द अच्छे क्या बुरे क्या। तीन चार बातें हो गई हैं, एक तो हुआ ये है कि भाई अब अटेंशन स्पैन लोगों का कम हो गया, अब जो कुछ कहना है भाई जल्दी कहो, ये तो SMS का ज़माना है, ये तो ट्वीट का ज़माना है, तो अब वो ट्वीट और SMS म्यूज़िक में भी आ गया है, तो अब वो इतनी तेज़ होती है ट्यून कि उसमें शब्द के तो वैसे ही भुरता बन जाता है। तो चलो अच्छा भी है, अक्सर शब्द ऐसे होते हैं कि ना सुनाई दे, यही अच्छा। अब ये ज़माना, हम तो ये गाने सुनते हैं, मैं रोज़ सुबह 1 घंटे वॉक पे जाता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सिस्टम, मेरे फ़ोन में लता जी के 2,500 गाने हैं, किशोरदा के 2,500 गाने, मैं उसे ऑन कर लेता हूँ, वो बजता है, उसे सुबह 1 घंटे तक चलते रहते सुनता रहता हूँ। एक साथ और सिंगर का भी मैंने ट्राई किया था, मैं फिर 1 घंटे वॉक नहीं कर पाता। पुराने गीतों में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एक जो संस्कार है उन गीतों के, ये गीत सिर्फ गीत नहीं होते हैं, ये आपको उस समय के क्या संस्कार है, क्या जीने का ढंग है, क्या लोगों के विश्वास है, किस तरह से लोगों का व्यवहार क्या है, उनके मूल्य क्या है, वो सब मालूम होता है आपको। आपको धुन से भी मालूम होता है, आपको आवाज़ से भी मालूम होता है, आपको शब्दों से भी मालूम होता है। अब एक आवाज़ कहलाते ग्रंजी वॉइस, अगर बिल्कुल क्लीन शरीर जैसी आवाज़ है तो वो ठीक नहीं है, कुछ आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो लगे कि जैसे गीला तौलिया लपेट गया है, वैसे कहते हैं उसमें डोरियाँ निकली हुई हैं, वैसा आवाज़ भी वैसी होनी चाहिए, धुन भी ऐसी होनी चाहिए कि जो झटके से चले, आराम से ना जाए।
शब्द ऐसे होने चाहिए कि जितने करीब हो सके गाली के उतना अच्छा। तो ये कुछ आपको दर्शाता है कि ये क्या हो क्या रहा है समाज में और क्यों हो रहा है। हम जब कहानी सुनते हैं बाहर 60s के 50s के तो उसमें कुछ संस्कार है, कोई तहजीब है, वो गाने में भी है, वो धुन में भी है, वो शब्द में भी है। जो बात कही जा रही है तमीज से कही जा रही है, जो धुन है वो तमीज से आगे चल रही है, जो गाया जा रहा है वो एक शराफत के साथ गाया जा रहा है, वो आपको मिलते ही नहीं। और ये जो बीच में है, ये जो बीच में दलाल जो है, जो हमारा सामान लेके पब्लिक को देते हैं, दलाली तो हुई ना और क्या। तो वो ये कहते हैं पब्लिक को यही चाहिए, यंग जनरेशन को यही चाहिए। अरे यंग जनरेशन को यही चाहिए तो फिर सारे जो म्यूजिकल कॉन्टेस्ट आते हैं टीवियों पर उन पे लता मंगेशकर के गाने क्यों गाते हैं लड़के? बंद कर दें, वो गाने गाए ना जो अभी के हैं, वो तो नहीं गाती हैं, वो तो वही गाने गाती हैं पुराने, या रफी के गाने गाते हैं लड़के, किशोर के गाने गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, ये तो नहीं गाते जो आज है। तो यंग जनरेशन पे झूठा इल्जाम है कि उनको ये चाहिए। सच ये है कि जिनके हाथ में धंधा है वो उनका ये टेस्ट है, उनकी ये समझ है। और हिंदुस्तान का जो संगीत, फिल्म का संगीत है, वो एक ऐसी चीज है कि आप चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, आप स्वीडन चले जाइए, आप सिंगापुर, आप कहीं चले जाइए, वहाँ जब शाम को आपको रिसेप्शन होता है, पार्टी होती है कि भाई ये आए हैं, तो सब लोग आते हैं बड़े अच्छे कपड़े पहने आते हैं, उनके मैनरिज्म भी जो होते हैं बड़ी डिग्निटी से मिलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, कोई अपनी हिंदी पिक्चरों का गाना गाना शुरू करता है और सबके सब वो डिग्निटी और वो स्टाइल का खत्म हो जाता है, सब स्कूल के लड़के लड़कियाँ बन जाते हैं और सबके सब गाने गाने लगते हैं, वही 50s के, वही 50s के, वही मैक्सिमम 70s के, यही गाने होंगे यार। हिंदुस्तान का जो फिल्म संगीत है वो हिंदुस्तानियों को जोड़ता है। लता जी ने हजारों गीत गाए हैं, सचिन तेंदुलकर ने सैकड़ों रन बनाए हैं, इतना ही नहीं है, हिंदुस्तानी इनकी वजह से हिंदुस्तानी होने पे गर्व करता है, अपने को हिंदुस्तानी महसूस करता है विदेश में भी, जब इनके गीतों को याद करता है, जब उस खेल को देखता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये तब होता है कि जब हम जानते हैं कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, तो याद रहेगा ना। जब ना ये पता चले कि कौन गा रहा है, जब ना ये पता चले कि क्या गा रहा है, तो यही याद रहेगा कि बड़ा दुख हुआ था, और क्या याद रहेगा। तो जो कंट्रीब्यूशन है हमारे गीतों का, हमारे फिल्म के गीतों का, और हमारे अच्छे जो राइटर शैलेंद्र जी, साहिर साहब, क्या क्या लिखा है इन्होंने, और इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि फिल्म की सिचुएशन पर लिख दिया है, इनके गीत जो हैं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। इन्होंने गीत लता जी ने गा दिया वो उतना ही नहीं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हम जब कोई एक खास कोई भावना या कोई इमोशन या फीलिंग हमारी होती है तो वो गीत रेफरेंस पॉइंट बनता है हमारा, हमें वो गीत उस मूड में याद आता है। इन गीतों ने क्या क्या हमें दिया है, इसमें बड़ी कॉमन मैन फिलॉसफी भी होती थी इन गीतों में। जो ये सब हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो ऐसे दिल में इतना जज्बात है इसके लिए, इतनी फीलिंग है कि मैं आप कहें बोलते ही चला जाऊंगा, लेकिन वो काम जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था वो मैं अब कर रहा हूँ, कि आप लोगों से माफ़ी मांगूँ कि मैं बहुत देर से पहुंचा। मैं
ढाका गया था कल, ढाका आज सुबह तक ढाका में था और ढाका से मुझे आज रात को वापस जाना पड़ेगा सिंगापुर, में ढाका से जाता, लेकिन ये अवार्ड मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं वहाँ से वापस आया हूँ, घर पे सामान रखा, कपड़े बदले, यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से सामान मेरी गाड़ी में है, यहाँ से एयरपोर्ट वापस जाऊँगा सिंगापुर। मगर तो सिंगापुर होके ढाका ये तो रहेंगे, ये अवार्ड मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला था, तो मुझे तो आदमी था और इतनी बड़ी मेरे लिए जो इज्जत की बात हुई है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लता जी आपका, जगन्नाथ जी आप सबका, आप लोगों ने मुझे जो इज्जत दी है, ये मुझे सचमुच शक है कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसके काबिल बनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब, इतने उम्दा शायर को हमेशा सुनते रहे हैं और उनको सामने से इस तरह सुनना बहुत खूबसूरत एहसास है। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात हमें लगी है और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे बीच माननीय मंत्री विनोद तावड़े जी हैं, उन्होंने एक बात बताई है, वो बुके भेंट करना पसंद नहीं करते हैं, बुक भेंट करना पसंद करते हैं, पुस्तकें। बहुत ये विचार अपने आप में बहुत उम्दा है, स्वागत योग्य है। और माननीय मंत्री विनोद तावड़े जी पंडित हृदयनाथ जी को, लता दीदी को और जावेद साहब को बुक भेंट करना चाहते हैं। मशहूर संगीतकार ललित पंडित जी यहाँ विंग्स में बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ यहाँ आ जाएं और सामने स्टेज पर बैठें। स्वागत है। अब मैं चाहूंगा जो तालियां बजा रहे थे इन्हें और इतना लंबा बजाएं और लता दीदी से स्वयं कहें मैं हिंदी में बात करूंगी क्योंकि जावेद साहब हैं, ललित जी हैं, तो सबको समझ में आना चाहिए, शायद आप लोगों में भी कोई बैठा हो जो हिंदी जानता है। तो मैं आज हृदयनाथ की बर्थडे है और उसको आशीर्वाद देने यहाँ आई थी और मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ कि वो और भी अच्छा काम करे और उसका नाम हो और 100 साल की उसकी उम्र। जावेद साहब का हमने इंतज़ार किया पर जावेद साहब ने आपको कितना हंसाया ये मैं देख रही हूँ। मैं जब भी जावेद साहब से मेरी मतलब मुलाकात होती है तो तब हम हंसते ही रहते हैं क्योंकि जावेद साहब ऐसी बातें करते हैं कि हम हंसी के सिवा और कुछ वहाँ होता ही नहीं है। तो जावेद साहब को यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हुई और उनको हृदयनाथ का अवार्ड देने में मुझे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे हृदयनाथ मेरे लिए है वैसे जावेद साहब को भी मैं भाई मानती हूँ। मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है, आप सब ने मेरी तारीफ की है आज क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में 75 साल हुए, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, मैं बचपन से ही काम करती थी। जब मैं 9 साल की थी तब मैंने पहली मर्तबा मेरे पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम में मतलब उनके साथ गाया था, तो मैं तब से गा ही रही हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद थोड़ी मेरे सामने मुश्किलें पेश आई लेकिन रास्ता निकल ही जाता है और मैं गाती रही। और जावेद साहब जैसे राइटर भी मुझे मिले जिनके गाने मैंने गाए जो गा के मुझे बहुत ही खुशी हुई और उसमें से मुझे जो बहुत अच्छा लगता है उनका गाना वो है ये कहाँ हम आ गए।
तो वो गाना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, इतना सुंदर है। मैं हरिजनाथ को बहुत आशीर्वाद देती हूँ, जावेद साहब को प्रणाम करती हूँ, और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। एक 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा टाइम लूँगी। मेरी नीस है रचना शाह, उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो आई नहीं, पर उसने कुछ अपने मामा के लिए लिख के दिया है, वो मैंने जावेद साहब को कहा कि आप कृपा करके उसको पढ़ दें, तो वो आपको सुनाएंगे। नमस्कार। Born as Hridayanath, but for the family, he was the very heartbeat that made them smile. Being the youngest, was fondly called Bal. Therein begins the journey of this child, marked with obstacles and the will to overcome them, to come out a winner and shine even brighter than before. Today I see him as the eternal artist, embellished with innumerable laurels and landmarks, a genius and a purist amidst a mediocre world. For me, he is my Bal Mama, the one who was easily passed on the credit of his first hit song to a little clueless girl and named her Bhagwan. For me, he is my Mama who stood behind me when I lacked the courage, beside me when I was doing right, and led me from the front when I wavered from my path. What Bal Mama means to me is very difficult to put down in mere words, as I feel the best and the most beautiful things in the world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. Today, he has turned 80. Another milestone for his artistic extraordinaire. Happy birthday, Bal Mama. May you continue to inspire with much love, Rachna. बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आज के इस आयोजन में इतना सुंदर उत्सव ये चल रहा है, इसको अमृत हृदय स्वरलता अनु कपूर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड वो कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। शान जी बहुत जो मशहूर गायक है अभी आए थे, लेकिन उनका कार्यक्रम कहीं और है, हम अपने आयोजन में थोड़ा विलंब हो चुके थे इसलिए उन्हें पहुंचना था, हमने तो उनसे गुजारिश की कि रुकें और उन्हें हम सुने, लेकिन संभव नहीं हो पाया, बीच में ही उनका जाना हुआ है। और मंच पर जो हमारे अतिथि जो विद्वत जन आए हैं, लता दीदी, जावेद साहब और माननीय मंत्री विनोद तावड़े जी और सभी हमारे जो स्पॉन्सर जिनके आने से हमारे इस मंच का श्रृंगार हुआ है, हम आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और आप सभी देण्यात येणारा पुरस्कार विख्यात गीतकार आणि लेखक श्री जावेद अख्तर यांना थोड्याच वेळात ते इथे उपस्थित होतील, त्यांना आपण या समारंभात तो प्रदान करणार आहोत। 27 वर्षापूर्वी हृदयनाथजींच्या वाढदिवसाला हृदयाचा शुभारंभ झाला, आज हृदयनाथजींचा 80वा वाढदिवस साजरा होतोय, याचा इतका विलक्षण आनंददायी योग आमच्या दृष्टीने कुठलाही नाही, अत्यंत भाग्यशाली आहे। आणि त्याला आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री आणि मुख्य म्हणजे संगीत क्षेत्रातली सर्वात मोठी व्यक्ती भारतरत्न सुश्री लता मंगेशकर याही उपस्थित राहिल्या आहेत, आणि दिलगिरी व्यक्त करतो आणि पुढच्या कार्यक्रमाचे सूत्र श्री आनंद सिंग यांच्याकडे सोपवतो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। देखिए, मंच ऐसे मूर्धन्य व्यक्तित्व के उपस्थिति से
बहुत सुंदर लग रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है आप सभी की ओर से पूरे मंच को, उपस्थित व्यक्तित्व को पुष्प भेंट करके। वास्तव में हम पुष्प भेंट करना चाहते हैं महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को, लेकिन जिसे आपने अपना प्रतिनिधि चुना है और शीर्ष पर बिठाया है, उनके हाथों जब हम पुष्प देते हैं तो उसकी खुशबू पूरे महाराष्ट्र में फैल जाता है, इसकी सुंदरता, इसकी सुगंध पूरे देश को, पूरी दुनिया को पहुंच जाए। धुर संगीत जिन्होंने पूरे देश को दिया है, आज के ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिविसीदसाधन यशस्करं बलवन्तं प्रभुतवन्तमेव राजाधिपतिर्बभूवा संकीर्णनागाश्वपतिरन्नराणां सुमङ्गल्यो सततं वीरकमायो कल्याणं चिन्तितं कार्यं चिन्तितार्थमनोरथाः देवद्विज प्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु ते सिद्धिविनायक महागणपति देवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। करने जा रहे हैं जिनके लिए पंक्ति हम कह सकते हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आप समझ गए होंगे, किसानों के जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने हमसे बताया कि जब हम निराश हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय को SMS करते हैं और रात में, देर रात में उनका लंबा संदेश आता है, हम ऊर्जा से भर उठते हैं, तो अपना जो व्यक्तिगत परिवार है वो बहुत छोटा हो जाता है जी। 3 वर्ष हो गए लगातार काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के जनप्रिय नेता दुलारे मुख्यमंत्री, वक्त की आवाज है ये, हर सांस में अपने वजूद के साथ देश की इबादत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने सहमति दी कि हमारा ये सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि भारतीय परंपरा है, शॉल उठाकर अपना बनाते हैं, ये भी एक प्रतीक है। अरे कैमरा, इस युग के महान संगीतज्ञ पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के 80वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी की उपस्थिति में कैमरा प्रतीक चिन्ह और ये धनादेश हम भेंट कर रहे हैं हृदय आर्ट्स की ओर से। कैमरा सुन रहा है वो थोड़ा अपना अपने खराब कर रहा है, ये तो भूत बन गया है। ईश्वर जब स्वयं को सुनना चाहता होगा तो लता दीदी जैसे व्यक्तित्व को धरती पर भेजता है।
जिस तरह फूलों की खुशबू का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह ठंडी हवाओं का कोई घर, कोई गांव, कोई वतन नहीं होता, जिस तरह उभरते हुए सूरज की किरणों का कोई मजहब नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह लता मंगेशकर की आवाज और उनकी गायकी कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। मशहूर संगीतकार सलील चौधरी कहा करते थे, मेरी धुनें लता जी के लिए हैं और लता जी की आवाज ईश्वर के लिए है। लता जी गाती नहीं है, गीतों में उतर जाती हैं। उनके गाने से गीत जिंदा हो जाते हैं, जैसे कैनवास पर चित्र बन जाता हो। इसलिए लता जी के गानों को अपने कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। गा है कालजयी लता। लता जी की प्रशंसा में कितने ही कसीदे काढ़ लें, मुझे तो लगता है एक बार लता दीदी कहना इबादत से कम नहीं है, पूरा इबादत। को अभिभूत कर दिया पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी अपने वाणी से, आज हमें समृद्ध करेंगे। हम चाहते हैं तालियों से एक बार उनके प्रति फिर सम्मान व्यक्त करें। आप बैठे, हम साउंड अगर मेरा स्पीड उपस्थित सर्व बंधु भगिनींनो, आज माझं 80 वर्ष पूर्ण होऊन 81 वर्ष लागलं, फार मोठा पराक्रम दिला असं काही वाटत नाही। त्यात दिवस जात असतात, माणसं वय वाढत असतं, माझंही वय वाढलं या ठिकाणी, फारसा फरक नाही। पण माझे जे मित्र आहेत, सन्मित्र अविनाश प्रवळकरजी, त्याने माझ्याच वाढदिवसाला माझ्याच नावाची एक संस्था सुरू केली, हृदयश आर्ट। आणि ती संस्था खूप ह्या 25 वर्षात मोठी झालेली। ते सगळे संस्थापक जे आहेत अविनाश प्रभावकर, ते माझ्याकडे गाणं शिकायचे, आता गात नाहीत पण त्याला शिकायचे, आणि चांगली हार्मोनी वाजवायची, म्हणजे चांगले संगीत आहे, ज्ञान अत्यंत ग्रस्त आहे, ते मला विलक्षण प्रेम करतात, आणि मी त्याला नको नको म्हणत असताना पण ते हे कौतुक करत असतात की दरवर्षी ते आज तुमचं वय इतकं झालं, आज तुमचं वय इतकं झालं सांगून कार्यक्रम करतात। पण माझ्या नावी त्यांनी इथे पारितोषिक ठरवलेलं आहे, तेही एका मोठ्या माणसाला देतात। आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य मला असं वाटतं स्वतःला, कधी न उपस्थित राहणार अलीकडे रंगमंचावरती, फार क्वचित येते दीदी, पण दीदी मला म्हणाली की मी येते आज कार्यक्रमाला। दीदी म्हणजे दरवेळी काय होतं की आम्ही सगळं तयार होतो आणि दीदी चल असं म्हणतो, तर यावेळी उलट झालं, दीदी सगळं ते तयार झाली आणि तिचं आधी इथं निघून आली, आम्ही सगळे उशीर आलो, ती आधी येऊन बसली, तर तिचा उत्साह माझ्यापेक्षा पण जास्ती आहे, माझ्यापेक्षा फक्त 9 वर्षांनी मोठी आहे, जास्ती नाही आहे। पण हे तिचा उत्साह म्हणजे माझ्याबद्दल असलेलं प्रेम, हे मला सतत मिळत राहिलं, पुढेही राहील, आजही मिळते, याच्याबद्दल मी ईश्वराचे मनपूर्वक आभार मानतो। माझ्याबद्दल मंत्री महोदय खूप छान बोलून गेलेत, जीव लगा राहिले ते दूर घर माझे, ह्या गाण्याचा उल्लेख त्यांनी केला, तर जुनं गाणं झालं, त्या गाण्याला आता आपल्याला आश्चर्य 52 वर्ष झाली, 52 वर्ष ते गाणं देताना आठवतं, तेच त्या गाण्याचं यश आहे। आणि त्यांनी जे काही माझ्या गाण्याबद्दल बोललो मी त्याचे आभार मानतो, पण नम्रपणे हे सांगू इच्छितो रंगमंचात सर्वच थोर व्यक्तींना की ज्ञानेश्वरांचा एक फार सुंदर श्लोक आहे की बाप रखुमा देवी वरू सहज नीटू झाला,
हे जे काही झालं हे सहज झालं, प्रयत्नपूर्वक केलं नाही किंवा करायचंच आहे हा अट्टहास केला नाही, किंवा त्यासाठी फार मोठा रियाज केला किंवा काही फार मोठी धडपड केली, काही जोर बैठका मारल्या असं काही नाही, हे अगदी सहज झालं. ज्ञानेश्वरांनी जे उपमा दिल्या ते अशा की एखादी साधा कपडा पडलेला असावा आणि तू उघडून बघावा त्याचा आतनं पैठणे निघावी, एखादा लहानसा कागद पडलेला असावा तू उठून वाचावा तर आतनं भगवद्गीता निघावी. तर हे सहज नीट होतं, अत्यंत सहजपणे तयार होत्या गोष्टी. तसं जे माझं काही नाव झालं की मला जे काही मी चाली केल्यात त्या फार प्रयत्नपूर्वक केल्या नाही, फार कष्टपूर्वक केलं नाही, त्या सहज होत गेल्यात पणाकडनं. आणि ही जी सहजता आहे ही आमच्या रक्तात नाहिलेली सहजता आहे. मास्टर दिनाथांचं गाणं आपण ऐकाल तर सहज आहे ते, त्यांची ताण फार सहज जाते, ते आलापी फार सहज करतात, समेवरती ते इतके छान होऊन पडतात, तितके सहज येतात, कुठे कष्ट नाहीत, कुठे धडपड नाही, कुठे त्या तबल्यावरती डोकं आपटत नाही, की हा सहजपणा. आणि हा सगळा सहजपणा एका व्यक्तीच्या गळ्यामध्ये आला आणि ती व्यक्ती आपल्या समोर बसलेली भारतरत्न आचार्य. आणि माझा हा सूर बरोबर लागतो की नाही मला मला विचारलं ते. अजून ह्या वयामध्ये इतकं गाणं प्रेम आहे, इतकी ती सहजता आहे त्यातली. त्यातलं लहान भावाला पण तुम्ही विचारलं की काय सूर बरोबर लागतो की नाही मला सांग. ही सगळी सहजता तिच्या संगीतात आली, त्यातच जाणार. तर बाप रुखुमा देवरू विठ्ठल सहज रेटू झाला. आणि मग काय म्हटलंय की हृदय नटावाला ब्रह्माकार्य गे बाय. आणि माझ्या बाळासाहेब म्हणले की टाटा आपला बंगला देऊ शकतात, आपली कंपनी देऊ शकतात, बिर्ला अमुक करू शकतो, अमुक करू शकतो. आणि मंगेशकर कुटुंबियांचं हे सगळं संगीत आहे ते पुढच्या पिढीला कसं मिळेल, तर उषाताई आदिनाथ आणि मी एका गोष्टीवर काम करतो की मुंबईमध्ये येत्या काळामध्ये मंगेशकर स्कूल ऑफ म्युझिक सरकारतर्फे आम्ही निर्माण करणार आहोत. आणि ही घोषणा या ठिकाणी करताना मनापासून आनंद होतोय बाळासाहेब, त्यामुळे टाटा बिर्ला जे देऊ नाही शकले ते मंगेशकर कुटुंबीय पुढच्या पिढीला देणार आहे हा मला विश्वास आहे. पद्मभूषण जावेद अख्तर साहब पधारले. मित्रों, जावेद अख्तर साहब आ चुके हैं. मैं थोड़ा सा उनके बारे में कहना चाहूँ जाने के लिए और आंसू बहाने के लिए. दरअसल हम सिल्वर स्क्रीन की हरकतों के साथ बहकते हैं, चहकते हैं, हम खुली आंखों से सपना देखते हैं, हम अमीरी गरीबी की खाई को पटते हुए देखकर संतुष्ट होते हैं. स्क्रीन पर एक एंग्री यंग मैन पैदा होता है, ढाई घंटे में सारी बुराइयों को मिटा देता है, एक नई दुनिया बना देता है. ऐसे अनेकों किरदार गढ़े गए जिनका जादू हमारे सर चढ़कर बोलता है, जिनकी कलम से ये जादू निकलता है. बचपन में रखा था जादू, बड़े हुए तो जिन्हें आप जानते हैं वो है जावेद अख्तर, पद्म भूषण जावेद अख्तर. गजब के पटकथा लेखक जिसने लाखों लोगों के दिलों का शिकार कर लिया है. जावेद साहब की शायरी से नूर बरसा, चांदनी खिली और हवाओं ने सांस ली. आप लिखते हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा पूरा श्रृंगार टपकता है. हम कहते हैं कि आपके गीतों ताने उलाहने प्रतीक्षा शर्म हया संकोच डर प्यार का हर आखर हर रूप हर चेहरा, एक वो प्यार जो मौसम बदल देता है, एक वो प्यार जो जीवन बदल देता ही है, गीतों में फिल्मों में आंसुओं से मिटा हुआ आंसुओं से लिखा हुआ. उनकी दो लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा. मोहब्बत से भरा एक दिन है जैसे मेरे बचपन का साथी मेरा गांव, प्रेम का मानदेय.
हृदय शार्ट्स के अपने हैं जावेद साहब, लेकिन शॉल उड़ाकर हमने अपने और करीब कर लिया है। बहुत दुर्लभ क्षण है, हृदयनाथ पुरस्कार से सम्मानित हुए, ये हमारा हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने ये सम्मान स्वीकार किया हमारे इस मंच से, हृदय आर्ट्स के मंच से। जावेद साहब से हम गुजारिश कर सकते हैं, अगर आप कहें माननीय लता जी, मंगेशकर परिवार, मंच पे बैठे आदरणीय मंत्री, दूसरे आदरणीय लोग, भाइयों बहनों, मेरा काम तो शब्दों ही का है, जैसे पेंटर रंगों से काम लेते हैं, सिंगर म्यूजिशियन सुरों से काम लेते हैं, ऐसे ही राइटर जो कवि हो के लेखक हो शब्दों से काम लेता है वही उसके पास होके। ये तो बड़ा कठिन समय होगा और है कि जब राइटर के पास शब्द ना हो, जैसे सिंगर अपने सुर भूल जाए, जैसे पेंटर को मालूम है मेरे पास रंग नहीं, वैसे ही हाल इस समय मेरा है। कौन से शब्द ला के बताऊं, कहां से लाऊं, किस भाषा से लाऊं कि जिससे मैं आपसे कह सकूं कि ये इज्जत जो मुझे मिली है इस हॉल में और इस स्टेज पे, मैंने जिंदगी में पहली बार भी अवार्ड लिया था जंजीर का, इसी में लिया था हजारों बार, लेकिन वो सारे अवार्ड एक तरफ, वो जितने मिले मुझे अपनी जिंदगी में वो बहुत मिले, ये एक अवार्ड सबके भारी। लता जी के परिवार से मुझे अवार्ड मिले ये तो मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, हम तो फैन नहीं पुजारी हैं। एक बात दुनिया में मानी जाती है कि परफेक्शन एक ऐसी चीज है जिसके आप पीछे जा सकते हैं और जितना आप उसका पीछा करेंगे उतने आप अच्छे हो जाएंगे अपने काम में, लेकिन परफेक्शन तक थोड़ी पहुंचता है कोई। जो लोग ये बात मानते हैं उन्होंने शायद लता जी को सुनाई नहीं, परफेक्शन पॉसिबल है, परफेक्शन अचीव किया जा सकता है, इसकी जिंदा मिसाल यह है। अब ये लोग एक तरफ नेगेटिव तरीके से है, एक तरफ पॉजिटिव तरीके से बताता हूँ। एक तरफ हमारी तरफ कहावत है कि लंका में सिर्फ रामन नहीं सब 52 गज के थे, वैसे ही पॉजिटिव साइड में ये बात मंगेशकर परिवार के बारे में कही जा सकती है कि हर इंसान इस परिवार का जो है वो एक टैलेंट का पर्सोनिफिकेशन, कितनी किन माँ बाप ने इन्हें जन्म दिया है सोचिए, कैसा आशीर्वाद है इन लोगों को कि मतलब सोच नहीं सकते हम हिंदुस्तान की म्यूजिक के बारे में बगैर इन लोग के बारे में सोचे। और इस घराने से, इन लोगों से आपको आपकी राइटिंग के लिए, आपकी गीतों के लिए कोई इनाम मिले, कोई अवार्ड मिले, अब उसके आगे क्या। मुझे याद है, शायद लोग नहीं जानते कि लता जी का मेरी लाइफ में एज अ सॉन्ग राइटर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ये बात मुझे भी कुछ दिनों बाद पता चली थी, फौरन नहीं मालूम हुई थी। मैं तो स्क्रिप्ट राइटर था, तो एक दिन सुबह सुबह यश चोपड़ा साहब, जिनके लिए मैंने दीवार, त्रिशूल लिखी हुई थी, काला पत्थर
वो सुबह सुबह मेरे घर आए और कहले भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ सिलसिला और तुम उसके गाने लिख दो। मैं शायरी करता था, छपवाता नहीं था। कुछ चार पांच छह लोग थे जिन्हें मालूम था कि मैं पोइट्री भी लिखता हूँ और वो मैं सिर्फ अपने पास ही रखता था, किसी मैगजीन में भी कभी नहीं छपा। उन जिन लोगों ने सुनी थी मेरी पोइट्री उनमें एक यश चोपड़ा साहब भी थे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, मुझे गीत नहीं लिखने हैं, मैं वो तो मैं अपने लिए करता हूँ पोइट्री, मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो काफ़ी है। मगर वो मेरे पीछे ही पड़ गए, उन्होंने लिखवा ही लिया मुझसे। ये मेरे पीछे क्यों पड़े, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं इतना प्राइज लूँगा और मेरा यूँ काम होगा और मैं तब आऊँगा, और तब सारी मैंने कोशिशें की कि मुझसे नाराज़ हो जाए, वो हुए नहीं। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि यश चोपड़ा साहब ने मुझे इतना पीछे पड़ के लिखवाया क्यों। एक तो खैर उन्हें भी सेंस था पोइट्री का, कोई शक नहीं है, वो जानते थे, जवाब जानते थे, और साहिर साहब से लिखवाते थे, साहिर साहब बीमार थे नहीं लिख सकते। हुआ ये कि लता जी को दीदी कहते थे, लता जी के पास गए, ये बात मुझे बाद में मालूम हुई, और पूछा कि दीदी वो साहिर साहब तो नहीं है, मैं किससे लिखवाऊँ और फिल्म में मुझे चाहिए पोइट्री, ऐसे गीत हूँ। तो लता जी ने कहा कि मेरी दोस्त है पद्मा, उसने जावेद साहब की गज़लें सुनी हुई हैं और नज़में सुनी हुई हैं, वो तारीफ करती हूँ, तो खुद बहुत अच्छी पोइट है, तो तुम्हारे तो अच्छे रिलेशन, तुम और किसी से मत लिखवाना, उन्हीं से लिखो। तो ये मुझे जो पहली बार गाना लिखने की वजह थी उसके पीछे छुपी हुई लता जी थी। अच्छा मुझे उन्होंने नहीं बताया, वरना मैं तो थोड़े पैसे और मांग लेता। ये बात मुझे बाद में पता चली, और मेरी किस्मत भी देखिए, जो मेरा जिंदगी का पहला गाना है वो भी लता जी ने और किशोर दा ने गाया। मेरी कई बार बात हुई है लता जी से, लता जी के साथ बैठ के, उनका जो हुनर है, उनका जो फन है, उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, लेकिन उनकी बातों के बारे में कुछ बताऊं आपको कि जिस तरह वो एक गीत को एनालाइज करती है, जो उनके गहन में इज्जत है शब्द की कि इसे किस तरह इसका उच्चारण, और पोइट्री का जो इनको सेंस है वो, मतलब मैंने देखा नहीं है सिंगर्स में। मसलन एक वही जो पहली पिक्चर में लिख रहा था उसमें एक लाइन थी, हुई और भी मुलायम मेरी शाम ढलते ढलते। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो आदमी जिसे हमारी भाषा ही ना आती हो, अगर उसको आप ये गीत सुनाएं पूछें कि ये वर्ड जो बीच में मुलायम है उसका क्या मतलब होगा, तुम तो ये जबान जानते नहीं, वो सही माने बताएगा। जिस तरह से उन्होंने उसका उच्चारण किया है उसके मीनिंग आ गए, उच्चारण जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ मैं, एक हमारी फिल्म थी गॉड मदर, वो थकने का मतलब उनकी आवाज में है। आपको अगर थकने का वर्ड का माने नहीं मालूम हो तो सिर्फ आवाज सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक गीत में जो धुन है, जो ट्यून है, वो उसकी बॉडी, उसमें जो आवाज है वो उसकी आत्मा, और जो उसमें शब्द है वो उसका चरित्र। और वही गीत अच्छा है, वही गीत कामयाब है जिसका शरीर सही हो, आत्मा भरपूर हो और चरित्र अच्छा। उनमें से एक भी चीज अगर कम है, अच्छा हमें तो बरसों तक, बताऊं आपको लता जी, मुझे मालूम ही नहीं था क्या कितना अच्छा गाती हैं, उसकी वजह बताऊं, हम तो समझते थे भाई रिकॉर्ड आता था, हम अपने बचपन में, लड़कपन में, स्कूल में, कॉलेज में रिकॉर्ड सुनते थे, तो उसमें से तो एक परफेक्ट आवाज आती थी, तो हम समझते थे रिकॉर्ड में से ऐसी ही आवाज आती है। वो तो जब कुछ और सिंगर को सुना, अब नाम तो नहीं लूंगा, तब मालूम हुआ कि आप अच्छा गा रहे हैं। तब तक तो हमें लगा था
ऐसा ही होता है गाना, कोई गाना रिकॉर्ड होगा तो ऐसे ही सॉन्ग करेगा, यही हमें समझती है। वो तो हमें बाद में मालूम हुआ,